हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और बोधी प्रेप में आपका स्वागत है। स्क्रीन पे जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है वो मैंने एसएससी सीजीएल टायर 1 से क्वेश्चन लिया है। हालांकि ये क्वेश्चन काफी अलग एग्जाम्स में भी पिछले कुछ सालों में पूछा जा चुका है और ये काफी मजेदार क्वेश्चन है क्योंकि हमें इसे सॉल्व करने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे जो रिजल्ट्स होते हैं ज्योमेट्री के और थ्योरम्स होते हैं वो हम अप्लाई करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम लगेगा वो है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। सो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ साथ आपको अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या होता है वो भी आपको बता दूंगा जिन दोस्तों को नहीं पता है। सो पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड एंगल डी सी ई इज 45 डिग्री। तो आप देख सकते हैं कि एक सर्कल है, सो ये टेंजेंट हो गया सी ई और टेंजेंट का पॉइंट सी है और एंगल डी सी ई ये 45 डिग्री है, राइट। और इसमें बोल रहा है सी डी 10√2 है, सो सी डी की वैल्यू 10√2 है एंड हमें निकालना है AC की क्या लेंथ होगी अगर CB और BD बराबर है। दैट मीन जो पॉइंट B है ये मिड पॉइंट है CD का, सो हम कह सकते हैं कि अगर CD 10√2 है सो BC उसका हाफ होगा, सो ये वैल्यू 5√2 हो जाएगी और ये वैल्यू भी 5√2 हो जाएगी। सो अभी तक जो हमने किया उसमें हमने सारे जो वैल्यूज जो क्वेश्चन में दिए थे वो हमने फिगर पे लिख दिया। सो जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम लगाना है, राइट। सो मैं एक सर्कल बना लेता हूं और इसमें एक टेंजेंट बना लेता हूं, सपोज ये टेंजेंट पॉइंट P है और एक इसके अंदर हमें एक ट्रायंगल इंस्क्राइब करना है। तो मैं मान लेता हूं ये ट्रायंगल PQR है और हमें प्रूफ करना है कि ये एंगल और ये एंगल बराबर होते हैं, राइट। सो इसके लिए मुझे क्या करना है कि मुझे एक कंस्ट्रक्शन करना है। मैं मान लेता हूं कि सेंटर का सर्कल सपोज O है, सो मैं पी ओ को ज्वाइन करता हूँ और इसे एक्सटेंड भी कर देता हूँ और मान लेता हूँ ये पॉइंट सपोज टी है और सपोज ये पॉइंट आर है। अब आप देखेंगे कि अगर मैं टी क्यू को ज्वाइन करता हूँ तो ये एंगल 90 डिग्री होगा बिकॉज पी टी अब डायमीटर हो गया, सो पी क्यू टी ये एक सेमी सर्कल हो गया, तो हमें मालूम है कि एंगल इन अ सेमी सर्कल 90 डिग्री होता है, सो दिस एंगल विल बी 90 डिग्री, राइट। और हमें यह भी मालूम है कि अगर मैं O से पॉइंट P पे अगर मैं ज्वाइन कर रहा हूँ और पॉइंट P पे टेंजेंट हो रहा है, सो ये एक रेडियस होगा और रेडियस हमेशा टेंजेंट पे 90 डिग्री होता है, तो ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। सो अगर मैं QPR एंगल को थीटा एज्यूम करता हूँ, इतने एंगल को मैं थीटा एज्यूम करता हूँ और ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, सो इतना एंगल 90 - थीटा होगा, राइट। और अगर मैं ट्राइंगल पी टी क्यू को अगर मैं देखूं, सो एक एंगल 90 है, एक एंगल 90 - थीटा है, तो ये वाला एंगल थीटा होगा क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए किसी भी ट्राइंगल में। अब आप देखेंगे कि पी क्यू आर्क पे जो एंगल बन रहे हैं वो एंगल है एंगल टी और एंगल एस, और दोनों ही एंगल बराबर होंगे, तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर एंगल टी थीटा है तो एंगल एस भी थीटा होगा। सो इस तरीके से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाले एंगल भी थीटा होगा। और इसे कैसे पहचानना चाहिए, बहुत आसान है, जिस कॉर्ड के साथ एंगल बन रहा है, कॉर्ड और टेंजेंट के साथ ही एंगल बनने वाला है, राइट। तो इस कॉर्ड के अपोजिट जो भी ट्राइंगल का एंगल होगा वो वाला एंगल बराबर होगा इस एंगल से। उसी तरीके से मैं ये कह सकता हूँ कि ये एंगल जो बन रहा है ये पी एस कॉर्ड पर बन रहा है, तो पी एस कॉर्ड के अपोजिट जो एंगल बनेगा इस ट्राइंगल में वो होगा एस क्यू पी, सो एस क्यू पी के बराबर होगा। इसी चीज को हम अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम कहते हैं। सो इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। और इस वीडियो के एंड में सॉल्यूशन निकालने के बाद मैं आपको एक और क्वेश्चन दूंगा जो इसी थ्योरम पर ही बेस्ड है और थोड़ा चैलेंजिंग भी है। सो आपको करना क्या है कि सॉल्यूशन देखने के बाद उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और मुझे कमेंट में आंसर बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन लूंगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि ज्योमेट्री में सॉल्व करने के लिए एक से ज़्यादा तरीके हो सकते हैं, तो मैं आप लोगों के द्वारा दिए गए कुछ अच्छे सॉल्यूशन को भी उस वीडियो में ले लूँगा। सो डू नॉट फॉरगेट टू लुक एट दी क्वेश्चन एट दी एंड। और उस वीडियो की नोटिफिकेशन जानने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और एक बेल आइकॉन दिख रहा है उसे भी आप क्लिक कर दीजिए सो दैट कि आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाए। एनीवे, हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो पहला काम हमें करना ये है कि हमें AD को ज्वाइन कर देना है। जैसे ही मैंने AD को ज्वाइन किया तो मैं अल्टरनेट सेगमेंट अप थ्योरम लगाऊं तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर ये एंगल 45 डिग्री है तो एंगल CAD भी 45 डिग्री होगा, ये पूरा का पूरा एंगल 45 डिग्री हो जाएगा, तो मैं इसे 45 डिग्री लिख देता हूं। और OD को भी मैं ज्वाइन कर देता हूं, सो यहां पे हमें दिख रहा है कि सेंट्रल एंगल इस एंगल का डबल होने वाला है, तो ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, राइट। और
क्योंकि OC और OD दोनों ही रेडियस है, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि ट्राइंगल COD ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, जिसका मतलब OB अगर मीडियन है तो ये एंगल बाइसेक्टर भी होगा और ये एल्टीट्यूड भी होगा। इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये एंगल दोनों बराबर होंगे, ये 90 है टोटल, तो ये एंगल 45 डिग्री का होगा। उसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल सी ओ बी को अगर आप ध्यान से देखिए तो एक एंगल 90 डिग्री है, एक 45 डिग्री है, तो ये एंगल भी 45 डिग्री हो गया। सो अगर मैं ट्राइंगल सी ओ बी को देखूँ सो उसमें मुझे एक साइड 5√2 दिख रहा है, सो दूसरा साइड ओ बी भी 5√2 हो जाएगा, बिकॉज ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। आप देख रहे हैं दो एंगल सब बराबर हो गए, तो करस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं वो भी इक्वल हो जाएंगे, तो दोनों ही साइड 5√2 हो गए। तो मैं कह सकता हूँ कि ओ सी की वैल्यू मैं आराम से निकाल सकता हूँ पाइथागोरस थ्योरम लगा के, और अगर आपको डायरेक्ट मालूम है तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, बिकॉज ओ सी की वैल्यू होगी 5√2 इंटू रूट ऑफ 2 विच विल कम डाउन टू बी 10। दैट मीन्स द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 10, राइट। नाउ इफ रेडियस इज 10, इसका मतलब ओ ए की वैल्यू भी 10 हो जाएगी, ओ सी की भी वैल्यू 10 हो जाएगी। अब मुझे ए सी की वैल्यू पूछा गया है, क्वेश्चन में मुझे पूछा गया है वो है ए सी की वैल्यू, तो मैं इस जगह को थोड़ा खाली कर देता हूँ ताकि हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकें। ओके, सो अब आप देखिए ट्राइंगल ए बी सी, अगर इस ट्राइंगल को हम ध्यान से देखें तो एंगल बी 90 डिग्री है, इसका मतलब ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है। सो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ए सी स्क्वायर, ए सी जो है वो हाइपोटेनस हो जाएगा, सो ए सी स्क्वायर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो ए सी स्क्वायर को लिख सकता हूँ बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अगेन आप देखिए ए बी स्क्वायर इज नथिंग बट ए ओ प्लस ओ बी, एंड ओ ए ओ इज रेडियस तो वो 10 हो गया और ओ बी हो गया 5√2। सो मैं स्ट्रेट अवे लिख सकता हूँ बी सी तो 5√2 है, सो इट विल बी 5√2 का होल स्क्वायर प्लस दिस विल बी 10 प्लस 5√2 का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो इसमें आ जाएगा दिस विल बी 25 × 2, सो इट इज 50 प्लस दिस विल बी 100 प्लस 50 प्लस ऑफ 10 × 2 × 5√2, सो ये आ जाएगा 100√2, करेक्ट। और इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो हमारे पास आ जाएगा 200 प्लस 100 ऑफ रूट ऑफ 2, और रूट ऑफ 2 की वैल्यू हमें पता है रूट ऑफ 2 होता है 1.414, सो 100√2 हो जाएगा 141.4। सो मैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले लेता हूँ, सो इसकी वैल्यू हो जाएगी 200 प्लस 141, और मैं ऐसा लिख सकता हूँ इट इज़ 341। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है ए सी स्क्वायर की, बट हमसे पूछा गया था ए सी की वैल्यू, सो हम ये कह सकते हैं ए सी की वैल्यू विल बी अंडर रूट ऑफ 341। अब ये 341 का अंडर रूट आप निकाल लीजिए, क्योंकि ऑप्शन दिया था, मैंने ऑप्शन भूल गया यहाँ पे लेना। सो जो भी ऑप्शन थे उससे अगर हमें मैच करना है तो हमें करना ये है कि 341 का अंडर रूट किसके आसपास आता है। तो दोस्तों हमें मालूम है कि 18 स्क्वायर की वैल्यू होती है 324 और 19 स्क्वायर की वैल्यू होती है 361। सो 341 इन दोनों के लगभग बीच में आ रहा है, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इसकी वैल्यू 18.5 होगी। सो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। सो आप ये देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में हमने बहुत सारी चीज़ें लगाई हैं, छोटी छोटी चीज़ें, आइसोसेलेस ट्राइंगल का कंसेप्ट लगाया है, फिर हमने अभी सीखा अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम जिन दोस्तों को नहीं पता था, फिर हमने पाइथागोरस थ्योरम तो ऑब्वियसली हम लगाते ही हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में। सो ऐसे ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कीजिए एंड डेफिनेटली इसे बार बार कीजिए सो दैट कि आप इसमें एक्सपर्ट हो जाए। सो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन जिसे आपको खुद सॉल्व करना है और उसका आंसर कमेंट में देना है, मैं नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूंगा।